प्यारे बच्चों, अज असी करांगे कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर ए गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इस तो बाद असी जानते हैं शंट की होंगे है। शंट शंट इज ए स्मॉल रजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरल विद द गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द करंट पासिंग थ्रू इट। यूज ऑफ शंट शंट की काम आता है। शंट कैन बी यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर टू इनक्रीज रेंज ऑफ एमीटर। आई आई इज टोटल करंट इन द मेन सर्किट। जो मेन सर्किट है ये केड़ा करंट है आई। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरल विद द शंट। शंट है जो गैल्वेनोमीटर के पैरल है। लेट जी इज रजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एस रजिस्टेंस ऑफ द शंट एंड आई जी करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आ जो गैल्वेनोमीटर है ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई जी है एंड करंट थ्रू द शंट इज आई एस। आई एस की है करंट पासिंग थ्रू द शंट। मेन सर्किट च करंट की है आई। देयर फॉर सम ऑफ आई जी एंड आई एस दैट इज आई इक्वल टू आई एस प्लस आई जी एंड आई एस फ्रॉम दिस इक्वेशन। आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी एंड आई जी इक्वल टू आई माइनस आई एस। हुण असीं जाणांगे कि किसी गैल्वेनोमीटर नूं एमीटर च किवें कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय शंटिंग इट विद ए वेरी स्मॉल रजिस्टेंस। शंटिंग मीन किसी गैल्वेनोमीटर के पैरल दे विच जे आपां स्मॉल रजिस्टेंस कनैक्ट कर दीए तां इह कास्ट कन्वर्ट हो जाता है, यह कन्वर्ट हो जाता है एमीटर च। एन एमीटर इज ए लोअर रजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर विच यूज टू मेयर द करंट इन ए सर्किट इन एम्पीयर। ए गैल्वेनोमीटर एज सच इट कैन नॉट बी यूज एज एन एमीटर बिकॉज इट हैज एप्रिशिएबल रजिस्टेंस एंड इट कैन मेयर ओनली ए लिमिटेड करंट। क्योंकि जे ज़्यादा करंट पास करा असं गैल्वेनोमीटर चो डायरेक्टली तो यह की डैमेज हो जाएगा, तो इसनों असी एज इट नहीं यूज कर सकते। तां इहदे इहनूं प्रोटेक्ट करन वास्ते इहदे पैरल दे विच आपां शंट यूज कर दिंदे आ। इह गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस नोन एज शंट जिहनूं असीं शंट कहिंदे आ इन पैरल विद द गैल्वेनोमीटर एंड द वैल्यू ऑफ शंट डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द रिक्वायर्ड एमीटर एंड कैन बी कैलकुलेट एज। हुण देखो आ जिहड़ा शंट है इहदी वैल्यू किन्नी होनी चाहीदी है। ये डिपेंड करता है कि जिहड़ा असीं एमीटर बना रहे हैं कन्वर्टेड एमीटर है जिहड़ा जो गैल्वेनोमीटर तो बनाउणा है उहदी रेंज किन्नी है। उस रेंज के मुताबक एस दी वैल्यू असीं कैलकुलेट करते हैं। सपोज आई इज मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड बाई द गैल्वेनोमीटर। जी इज रजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। एन टोटल नंबर ऑफ स्केल डिविजन इन द गैल्वेनोमीटर। के फिगर ऑफ मेरिट और करंट विच प्रोड्यूस ए डिफलैक्शन ऑफ वन डिविजन इन द गैल्वेनोमीटर। किसी गैल्वेनोमीटर च वन स्केल डिविजन दी एक डिफलैक्शन प्रोड्यूस करने वास्ते जिन्ना करंट चाहिए उस करंट नूं आपां कहिंदे आ फिगर ऑफ मेरिट। नैक्सट आई जी करंट विच प्रोड्यूस फुल स्केल डिफलैक्शन। किसी गैल्वेनोमीटर दे विच फुल स्केल डिफलैक्शन प्रोड्यूस करने वास्ते जिन्ना करंट चाहिए उन्हों आपां आई जी ने डिनोट किया। फॉर मेजरिंग द करंट आई ए शंट ऑफ रजिस्टर एस इज कनैक्टेड इन पैरल विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट आउट ऑफ टोटल करंट आई ए पार्ट आई जी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर वाइल द रिमेनिंग पार्ट आई माइनस आई जी पास थ्रू द शंट। सिंस जी एंड एस आर कनेक्टेड इन पैरेलल
so potential difference across them will be same. ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਅਤੇ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸ਼ੰਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਈਕਲ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਈ ਜੀ ਇੰਟੂ ਜੀ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਬਰੈਕਟ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਜੀ ਬਰੈਕਟ ਇੰਟੂ ਐਸ। ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਐਸ ਐਂਡ ਐਸ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਜੀ ਅਪੋਨ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਜੀ ਇੰਟੂ ਜੀ ਬਾਈ ਯੂਜਿੰਗ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਐਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਗਿਵਨ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇੰਟੂ ਐਨ ਐਮੀਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੱਕ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਔਫ ਐਮੀਟਰ ਵਿਲ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਟ ਪੈਰਲ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੋ ਐਮੀਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਰ ਏ ਐਂਡ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਆਰ ਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਅਪੋਨ ਆਰ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਅਪੋਨ ਜੀ ਪਲੱਸ ਵਨ ਅਪੋਨ ਐਸ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਰ ਏ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮੀਟਰ ਇਜ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸ਼ੰਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਸ਼ੰਟ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਐਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਐਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਇਟ, ਕਿ ਸਰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਸਮਾਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਐਮੀਟਰ ਡਜ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਟੂ ਬੀ ਮਈਅਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਮਈਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਇਰ ਇਜ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਮੀਟਰ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਇਜ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਮੀਟਰ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਫਰਾਮ ਏ ਗਿਵਨ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਲੋਅਰ ਇਜ ਏ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸ਼ੰਟ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸ਼ੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਐਨ ਐਮੀਟਰ ਆਫ ਅ ਲੋਅਰ ਰੇਂਜ ਹੈਜ਼ ਏ ਹਾਇਰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹਦੀ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਨ ਐਮੀਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊਐਵਰ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਮੀਟਰ ਯੂਜ ਫਾਰ ਮਈਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਦ ਐਮੀਟਰ, ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੂਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਐਂਪੀਅਰ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ
अंपीयर की है करंट का यूनिट होंगे हैंस द इंस्ट्रूमेंट विच मईयर द फ्लो ऑफ करंट इन अंपीयर इज नोन एज अंपीयर मीटर और एमीटर द आइडियल एमीटर हैज जीरो इंटरनल रजिस्टेंस बट प्रैक्टिकली द एमीटर हैज समॉल इंटरनल रजिस्टेंस द मईयरिंग रेंज ऑफ एमीटर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस सिंबोलिक रीप्रजेंटेशन भाव एमीटर आप सर्कट के रीप्रजेंट किमें करते हैं सर्कट के एमीटर आप कैपिटल ए नाल यूज करते हैं द कैपिटल अल्फाबैट ए रीप्रजेंट द एमीटर इन द सर्कट कनैक्शन ऑफ एमीटर इन सर्कट द एमीटर इज कनैक्टड इन सीरीज विद द सर्कट सो दैट द होल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मईयर्ड करंट पास थ्रू द एमीटर जो एमीटर आप सर्कट के सीरीज कनैक्ट करते हैं द पावर लॉस अकर्स इन एमीटर बिकॉज ऑफ द मईयर्ड करंट एंड द इंटरनल रजिस्टेंस जो करंट पास करता है वो करके जो रजिस्टेंस है एमीटर का तो कोई थोड़े बहुत पावर लॉस होंगे The emitter circuit has low resistance so that the small voltage drop occurs in the circuit. Emitter the resistance cut hon karke voltage drop hai jada across emitter very very small hunda hai. Hun assi dekhde hain conversion of galvanometer to voltmeter ki kise galvanometer nu apan voltmeter ch kivein convert kar sakde hain. Galvanometer can be converted into voltmeter by connecting it with a very high resistance kise galvanometer de series connect karke te apan nu convert kar denne hai voltmeter de vich jis tarah eh galvanometer apne kole ide series connect kita apan resistance r te eh combination ban gaya apne kole voltmeter Voltmeter is a high resistance galvanometer which is used to measure the potential difference between the two points of a circuit in volt. Volt de vich apan ida potential difference measure karde hain unit volt hai potential difference de te aise karke nu apan voltmeter kehne hain. The value of required resistance depends upon the range of the voltmeter can be calculated as जिहड़ा अपने कोल रिक्वायर्ड रजिस्टेंस है वह आप कैलकुलेट कर सकते हैं हेठां जो मैथड दिता वो तरीके सपोज वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मईयर्ड बाई द गैल्वेनोमीटर जो आप कन्वर्टड गैल्वेनोमीटर आप वोल्टमीटर बना वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मईयर करना वह की है वी है जी रजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एन टोटल नंबर ऑफ स्केल डिविजन इन द गैल्वेनोमीटर के figure of merit or current which produces a deflection of one division in the galvanometer and ig equal to n into k current which produces a full scale deflection in the galvanometer galvanometer jehdi full scale deflection produce karda hai us current nu apa ig nu note kita hun resistance r te galvanometer eh series connected hai तो इस कंबीनेशन का टोटल रजिस्टेंस कि हो जाएगा जी प्लस आर बाई ओम्स लॉ क्योंकि करंट आई जी फ्लो कर रहे हैं टोटल रजिस्टेंस आर है बाई ओम्स लॉ आई जी इक्वल टू वी अपॉन जी प्लस आर जी प्लस आर फ्रॉम दैट रिलेशन आर प्लस जी इक्वल टू वी अपॉन आई जी और R इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ R बाय कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ R एंड व्हेन दिस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर विल बी अपन आर एन ड्रोट किया इतने विल बी आर प्लस जी एंड दिस रिलेशन विल बी मच ग्रेटर दैन द
रजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के रजिस्टेंस नालों इहदी वैल्यू है जिहड़ी बहुत ज़्यादा होगी। वोल्टमीटर इज सीरीज कंबीनेशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड ए हाई रजिस्टेंस आर, सो इट्स रजिस्टेंस इज मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। रजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी हाई एंड द रजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इनफिनिटी। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दोज पॉइंट्स अक्रॉस विच द वोल्टेज टू बी मेजर्ड, जिहड़े दो पॉइंटां दे अक्रॉस आपां वोल्टेज, जिहड़े दो पॉइंटां दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपां मेजर करना है, जिहड़ा वोल्टमीटर है उहनूं ओह पॉइंटां दे अक्रॉस, यानी कि ओह पॉइंटां दे अक्रॉस आपां कनेक्ट करदे हां। वोल्टमीटर हैज हाई रजिस्टेंस सो इट ड्राज ए वेरी समॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड देयर फोर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्योंकि वोल्टमीटर का अपना रजिस्टेंस है जो वेरी हाई है, जो रजिस्टेंस वेरी हाई है तो वेरी वेरी समॉल करंट फ्लोज थ्रू द वोल्टमीटर एंड देयर फोर वोल्ट ड्रॉप अक्रॉस वोल्टमीटर विल बी वेरी समॉल एंड द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स रिमेन अनअफेक्टेड, तो वह की है अनअफेक्टेड रहा है। हायर इज द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर टू बी प्रपेयर्ड फ्रॉम द गिवन गैल्वेनोमीटर, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द परपज, कि जे आप वोल्टमीटर बनाना है वो रेंज जिनी ज़्यादा है तो उवें ज़्यादा वह रजिस्टेंस होगा, जिहड़ा रजिस्टेंस कनैक्ट करना आपां वह भी उन्नी ज़्यादा लैना पेगा जिनी अपने को उस वोल्टमीटर की रेंज है। एंड वोल्टमीटर ऑफ लोअर रेंज हैज़ लोअर रजिस्टेंस, जे वोल्टमीटर है वो रेंज घट है तो वह रजिस्टेंस भी घट होगा। एंड वोल्टमीटर ऑफ लोअर रेंज हैज़ लोअर रजिस्टेंस दैन वोल्टमीटर ऑफ हायर रेंज, द रेंज ऑफ एन वोल्टमीटर कैन बी इनक्रीज्ड एज वैल एज कैन बी डिक्रीज्ड, किसी भी वोल्टमीटर की रेंज है जी डिक्रीज भी हो सकती है तो इनक्रीज भी हो सकती है। वोल्टमीटर हुंदा की है, ए वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट यूजुअली हैज ए हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स नेगलिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। वोल्टमीटर आर ऑफ टू टाइप्स, एसी वोल्टमीटर यूज्ड टू मेजर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, डीसी वोल्टमीटर यूज्ड टू मेजर डायरेक्ट वोल्टेज। सिंबोलिक रीप्रजेंटेशन ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर आप कैपिटल वी दे नाल डिनोट करते हैं, सर्किट के जो सिंबल यूज किया जाता वोल्टमीटर लिए वो ये है। तो आप जिमें पहला दसाया कि वोल्टमीटर आप हमेशा पैरल कनैक्ट करते हैं, सपोज दिस पॉइंट के विचकार आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वी विल कनैक्ट द वोल्टमीटर अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस आप कनैक्ट करा वोल्टमीटर। जिमें आप पहला एमीटर की भी गल की है, एमीटर कनैक्टड इन सीरीज, जो एमीटर है सर्किट के सीरीज कनैक्ट करते हैं, तो वोल्टमीटर है जरा पैरल कनैक्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, एक एमीटर तो वोल्टमीटर अंतर की है, फर्क की है, आप गल करते हैं हूँ। एमीटर वोल्टमीटर, एमीटर यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, एमीटर जरा सर्किट से जरा करंट फ्लो करता है उन्होंने मेजर करता है। वोल्टमीटर यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंटों के विचकार जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन्होंने मेजर करने लिए यूज करते हैं अपना वोल्टमीटर। इट इज ऑलवेज कनैक्टड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनैक्टड इन पैरलर, एमीटर सीरीज कनैक्ट करते हैं, वोल्टमीटर आप पैरल कनैक्ट करते हैं। रजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज जी इंटू एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस, रजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर इज जी प्लस आर,
रजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज जीरो, जो आइडियल एमीटर हुंदा उहदा रजिस्टेंस की हुंदा जीरो। रजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफिनिटी, रजिस्टेंस इज लैस दैन द गलवैनोमीटर फ्रॉम विच इट इज प्रपेयर्ड। जो गलवै रजिस्टेंस है जरा एमीटर का वह गलवैनोमीटर के रजिस्टेंस तो की है घट हों जिदे तो यह बनया है। रजिस्टेंस इज ग्रेटर दैन द गलवैनोमीटर फ्रॉम विच इट इज प्रपेयर्ड, वह गलवैनोमीटर के रजिस्टेंस नालों की है ग्रेटर होंगे। इट हैज़ वेरी समॉल रजिस्टेंस, इट हैज़ वेरी हाई रजिस्टेंस। मैनू पूरी उम्मीद है जो कन्वर्शन ऑफ गलवैनोमीटर इंटू एमीटर एंड वोल्टमीटर आप बहुत चंगी तरह समझ आ गया होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।